हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। आज हम पनीर मक्खनी बनाएंगे। इसे पनीर बटर मसाला या पनीर मक्खन वाला भी बोलते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मक्खनी को बनाना। तो पनीर मक्खनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा उसका क्रीमी ग्रेवी बेस। तो उस ग्रेवी बेस को बनाने के लिए यहाँ एक पैन में हम डालेंगे लगभग 1.5 टेबल स्पून ऑयल। आप इस ऑयल की जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। जब तेल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तब उसमें हम डाल देंगे 5 से 6 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा तेज पत्ता, 4 से 5 हरी इलायची, 7 से 8 हम लेंगे साबुत लाल मिर्च। इस लाल मिर्च को तोड़कर आप इसके एक्स्ट्रा सीड्स को हटा लें। 1/2 टीस्पून जीरा, 1 छोटी सी चुटकी इसमें हम डालेंगे दाना मेथी, 1 चुटकी कलौंजी और 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया। अब इन सभी मसालों को हम हल्की सी खुशबू आने तक बिल्कुल कम आंच पर रोस्ट कर लेंगे। जब इन मसालों में से हमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी तब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज रफली चॉप करे हुए। अब इन प्याजों को हम मसाले में एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा रफली कटा हुआ और 10 से 12 लहसुन की कलियां। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इन प्याजों को हम हल्का सा गुलाबी होने तक पका लेंगे। जब हमारे प्याज हल्के से गुलाबी हो जाएंगे तब उसमें हम डाल देंगे लगभग 2 मीडियम साइज के टमाटर रफली कटे हुए। टमाटरों को भी मसाले में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे हमारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और सारे मसालों को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लगभग 3/4 से 1 कप जितना पानी डाल देंगे, मसाले में मिक्स कर लेंगे और अब पैन पर ढक्कन लगाकर हम टमाटर, प्याज और सारे स्पाइसेस को नरम होने तक पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम या लो रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से कुक हो गया है। आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज पूरी तरह से नरम हो गए हैं। अब इसमें से हम तेज पत्ता हटा लेंगे और इस मसाले को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। अगर पीसने में हमें थोड़ा पानी डालने की जरूरत होगी तो हम पानी डाल लेंगे और इसका एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे मसाले का स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार है। अगर आपको लगता है ये अच्छी तरह से पिसा नहीं है तो आप इस मसाले को छान भी सकते हैं। तो आइए अब जल्दी से हमारी पनीर मक्खनी की ग्रेवी को बनाना शुरू करते हैं। तो मसाले को कुक करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। जब तेल हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर यानी मक्खन और इसे भी हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब बटर अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें तैयार पेस्ट डाल देंगे और अब इस पेस्ट को हम अच्छी तरह से तेल छूटने तक भून लेंगे। तो यहाँ हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 शिमला मिर्च इस तरह से क्यूब्स में कटी हुई, 1 प्याज उसे भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। शिमला मिर्च प्याज डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च और प्याज को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उन्हें हल्का सा नरम होने तक पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1.5 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1/2 कप या 100 ml इसमें हम डाल देंगे फ्रेश क्रीम। एक बार कम आंच रखेंगे और सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। अब इसमें हम 1/2 कप दूध डालेंगे और साथ ही 1/2 कप पानी डाल देंगे। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी अगर आपको थिक लगती है तो इसे एडजस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा दूध या पानी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे 400 ग्राम पनीर इस तरह से क्यूब्स में कटा हुआ। पनीर को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून हम डालेंगे कसूरी मेथी, उसे इस तरह से हाथों में क्रश करके फिर डालेंगे। इसे भी हम ग्रेवी में अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब पैन पर हम ढक्कन लगाएंगे और इस सब्जी को, पनीर मक्खनी को, हम लगभग 4 से 5 मिनट मीडियम से लो हीट पर पकने देंगे।
तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं और हमारी बहुत ही क्रीमी और बटरी पनीर मखनी तैयार है। इसे सर्विंग डिश में हम निकाल लेंगे और इसे ऊपर थोड़े से ग्रेट करे हुए या क्रश करे हुए पनीर से और फ्रेश क्रीम से गार्निश करेंगे। तो आप इस रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत ही टेस्टी क्रीमी बटरी पनीर मखनी, पनीर बटर मसाला या फिर पनीर मक्खन वाले को जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।